still drive me crazy. Yeah, happy happy shopping. The box aa gaya hai. Mimi. Daddy. Daddy bomber. Daddy. Mommy. Mommy's cutting. Mimi got so many kaplaks. Okay, first of all, Mimi, you need to try this. Come try. सारी फैमिली हो गई थी कमली शॉपिंग का डब्बा देख के, क्योंकि हम तीनों ने कुछ ना कुछ तो लिया था H&M से. सो यार सारा ट्राई करने लगी थी, हिम्मत ट्राई करना चाहता नहीं था, पर हमने उसको पुश किया और एक चीज़ एक्चुअली इसकी पूरे पूरे साइज़ की है, पर अब चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि चेंज करना भी हैसल है आजकल के ज़माने में. सो यस, मैंने ये एक टॉप लिया है जो मैंने वाइट एंड ब्लैक दोनों में लिया है, और कुछ समय पहले जो भी मैंने कपड़े लिए हैं, एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी मैं उसके ऊपर. सो अब मैं चेंज करने वाली हूँ और आउट ऑफ ब्रेथ हूँ. क्यों? क्योंकि हफड़ा दफड़ी में पड़ गई थी मैं. हिम्मत ट्राई करा मैंने ना उसको कहा कि तुम इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे चीज़ों में, और इंटरेस्ट दिखाना चाहिए और थैंकफुल होना चाहिए. बेचारा पच गया ट्राई कर ली. मिमी लिटिल बिट बुखाई. वाओ सो कूल, यू लुक हैंडसम. आज के लंच के लिए हम खा रहे हैं काले छोले आंधी तरी, उसके साथ रोटी एंड परौंठी एंड लेट्स सी और चटनी. ओके दोस्तों, तो लंच के बाद हम मिल रहे हैं. अब हम जा रहे हैं मॉस्किटो पार्क, जहाँ पे हम लास्ट बार गए थे, बट हम ने व्लॉग नहीं किया था, पर मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर किया था. सो आज हम जा रहे हैं मॉस्किटो स्प्रे के साथ, होपफुली हम बच पाएंगे, देखते हैं. और एक्चुअली आज होने वाला है वियर टेस्ट मॉस्किटो स्प्रे का, और मैंने ऑक्स केबल ले ली है. सो होन गाने लगेंगे मेरी चॉइस. अच्छा की खंड बाट वैल पोना ला रे. तो गाना लगाएंगे कोई भी रैंडम, कोई सोचा नहीं है कि केड़ा गाना लाना, जो भी प्ले हो गया हो गया. और पता नहीं गाना गलती ना मिडिल जो प्ले हो जाता सारा. शो लाइक तो हम लोग पहुंच चुके हैं और अब हमारा सफ़र शुरू होगा. आई गेस 3 किलोमीटर्स. सो 2 किलोमीटर की वॉक है जाने के लिए, 2 आने के लिए, और फिर वहीं पहुँच जाना फॉल थे. देखते हैं कि आज मच्छर है या नहीं, मच्छर है या नहीं, क्योंकि आज हमने मच्छरों की स्प्रे लगाई है. मच्छर वाली स्प्रे ली मैंने, एक्साइटेड हाँ जिद्दा. पिछली बार मच्छरों ने जो हमारी दशा की थी, क्या बताऊं दोस्तों, रुला दिया था हमें मच्छरों ने. रवाता ही ना बहुत पिछली बार मच्छरों ने. इन्हों खा दो क्या हड़ा. लिखला ही कर दा सामान, सबको ज़्यादा पड़ेगा. सो ये फॉल में नहाने के लिए आया है पूरी तैयारी के साथ, एंड ही इज़ वेरी एक्साइटेड, वेरी पम्प्ड. यस तो आज हम आए हैं डिफरेंट रास्ते से. ये रास्ता काफ़ी ख़तरनाक है, यहाँ पे काफ़ी होल्स हैं, और यहाँ पे आप देखें कि कितना डीप है, और ये पेड़ों के पीछे वहाँ.
When are we going to sit on that wood? इतनी बेसरदा तू गाइस हिम्मत फॉल पे पहुंच चुका है, बहुत एक्साइटेड है पानी में प्ले करने के लिए और वो जा रहा है पानी में बोला जा रहा है शॉप में What happened? गाइस पानी सोख गया, लोग कहते पानी बह रहा था ना लास्ट टाइम, अगर आपने लास्ट टाइम देखा होगा पानी नहीं आया क्योंकि गर्मी हुआ था आज, पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो ड्राई आउट हो गया ये। ओह गॉड, सो जब हम लास्ट टाइम आए थे तो फॉल कुछ इस तरह का था और दिस टाइम अन्ना का बच्चा लड़ पे आई हो अन्ना अन्ना क्यों वन डे आई एम गोना कम अलोन एंड मम्मा मम्मा जुड़ी नहीं प्यार ये थोड़ी आ सकदी सानू छड़ के तेरा नहीं सरदा प्यार ये साडे बिना यू वांट टू लीव नाउ देन आ जा चल फिर वॉक कर रजनीकांत विरासत या पता नहीं जेदे चे ओ कदी भी अन्याय नहीं करता, अपने बच्चों नूं भी सजा देंदा, एदा करदा गाइस आपको वो मूवी पता है तो जरूर बताना, ऐसे 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 करके ऐसे 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 ऐसे। लाइट थोड़ी येलो है क्योंकि यहाँ पे येलो बल्ब लगे हुए हैं। सो पार्क से आके मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो स्ट्रेट अवे मैं चली गई थी थोड़ा सा आराम करने के लिए, कहते हैं ना जब मैं लक सीधा करने लिए चल गई थी मैं, और आते समय हमने लिया था पिज्ज़ा क्योंकि मुझे नहीं लगा कि मैं कुक कर पाऊँगी, वैसे सब्जी थोड़ी बची हुई पड़ी भी थी पर फिर भी हिम्मत ने कहा कि उसे पिज्ज़ा खाना है तो इन दोनों ने पिज्ज़ा खाया, मैं आराम करने के लिए चली गई, दिन मैंने आके थोड़ा सा पिज्ज़ा खाया और पार्क में काफ़ी मज़ा आया। पर हमने आज बहुत ज़्यादा वॉक की, 8 किलोमीटर प्लस हमने वॉक किया आज और मैं और हिम्मत बुरी तरह थक चुके थे। सो हिम्मत को दे रहे हैं हस्बैंड बाथ और देन वो खुद नहाएंगे और जब वो दोनों नीचे आ जाएंगे तो मैं नहाने के लिए जाऊंगी। सो क्योंकि अगर रात को आप नहा लें तो फिर अच्छी नींद आती है यार। और मेरे यहाँ पे आने का पर्पज़ क्या है आज, एक्चुअली मैं आपको नन्ना सा स्टोरी टाइम करके बताना चाहती हूँ जो कि पता नहीं मेरा मन कर रहा है कि आपके साथ शेयर करूं। सो कल क्या हुआ कि मेरी कमर में दर्द था, सो मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि कोई ऐसी क्रीम लेके आओ जो जॉइंट पेन के लिए हो, और वो एक क्रीम लेके आए जो कि है अर्थराइटिस की पेन के लिए, उसको मैंने लगा लिया मेरी कमर पे सोने से पहले, समय होगा अराउंड 11, और उसको लगाने के बाद मेरी कमर बर्निंग सेंसेशन होती है जब भी आप कोई जॉइंट की क्रीम लगाते हैं, तो बर्निंग सेंसेशन मुझे अच्छी लग रही थी, फिर वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई ऐसे लगा कि मेरी स्किन जल रही है क्योंकि उससे मैंने हर तरफ लगा लिया था तो एवरीवेयर मुझे बर्न होना शुरू हो गया और इतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट था कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था इची करूँ क्या करूँ और
उसकी बर्निंग सेंसेशन और मेरे बेड के गद्दे की दोनों मिक्स होके मुझे इतना डिस्कम्फर्ट हो रहा था, समझ भी नहीं आ रहा क्या करूँ। और जब मैंने उठ के देखा तो मैंने शीशे में देखा कि मेरी स्किन सारी रेड होनी शुरू हो गई है बैक की। और मैंने देखा, उसके बाद मैंने गूगल किया कि मैं क्या करूँ जब मुझे ऐसा कोई बर्न हो रहा है। तो पढ़ने में मुझे पता चला कि कोई भी जॉइंट की जो क्रीम होती है तो वो आपकी स्किन पे केमिकल बर्न कर सकती है। और समय हुआ था रात के 12 बज रहे थे, करूँ हिम्मत, एंड हस्बैंड सो रहे थे, हिम्मत अपने रूम में सो रहा था क्योंकि आजकल हम कोशिश करें कि वो अपने रूम में सोए। सो मैं कभी हिम्मत के रूम में जा रही हूँ, कभी अपने रूम में आ रही हूँ। फिर मुझे लगा कि उसको रिमूव कर दूँ टावल लेके, गीला टावल। मैंने गीला टावल लेके रिमूव करने की कोशिश की, जलन और ज़्यादा बढ़ने लगी। देन मैंने सोचा कि मैं नहा लेती हूँ, ऐसे ऐसे करते 1 बज गए, नहा लिया मैंने। और मैंने नहा लिया ठंडे पानी के साथ और सोप के साथ उसको रगड़ के रिमूव करने की कोशिश की, पर पता नहीं क्रीम जो है वो आपकी स्किन के अंदर तक चली जाती है और जो बर्निंग सेंसेशन थी वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। और मेरी स्किन इतनी बर्न हो रही, मुझे इतना इची हो रहा, अभी भी वो बर्निंग फीलिंग थोड़ी थोड़ी हो रही है मुझे। और मैं वॉक कर रही हूँ, मुझे पसीने आने शुरू हो गए। और बेड पर मैं लेट नहीं पा रही थी क्योंकि जब मैं लेटती थी तो बर्निंग और ज़्यादा बढ़ जाती थी, क्योंकि पूरी बैक में मेरी होनी शुरू हो गई, क्योंकि मैंने सारी बैक में काइंड ऑफ मल ली थी थोड़ी थोड़ी। और नहाने के बाद कोई आराम नहीं आया, क्लीन करने के बाद कोई आराम नहीं आया। तो फिर मैं नीचे आई किचन में, ये करते करते 1:30 बज गया और बर्फ़ मैंने मली मेरी स्किन पे, बहुत मुझे आराम मिला। पर जैसे मैंने बर्फ़ को हटाया बर्निंग शुरू हो गई। फिर जो मैंने एक स्प्रे ली थी ना जब मेरा हैंड बर्न हुआ था, स्प्रे से कूल करने के लिए, मैंने वो पूरी बॉडी पे अपने स्प्रे कर ली तो थोड़ा मुझे काम फील हुआ, पर थोड़ी देर बाद फिर बर्निंग शुरू होगी। सही रात ही काम करती रही मैं, 2 बज गए। और फिर मेरे पास आइस के पैक्स हैं लाइक ठंडे वाले, उनको मैंने 2-3 है मेरे पास, तो उनको मैंने मेरी बैक वाली स्किन पे रख लिया, लाइक बैक पे रख लिया और लोअर बैक पे रख लिया। और मैं उल्टे लेट के सो गई, उल्टी लेट गई। तो फिर जो वो आइसी कूल जेल थी उसने मेरी बैक को थोड़ा कूल डाउन कर दिया, लाइक उसका टेम्परेचर ठीक कर दिया। तो धीरे धीरे मुझे नॉर्मल फील होना शुरू हो गया। 2:30 बज गए इस चीज़ को, पर हस्बैंड की नींद इतनी अच्छी है कि उनको पता भी नहीं चला कि मैं कितना नाच रही हूँ, इधर जा रही हूँ उधर जा रही हूँ। सो मैं बहुत डर गई कि अगर रात को ऐसे हो जाए तो कितना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाता है कि की करे बंदा। सो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वो कौन सी क्रीम के साथ मेरे, कौन सी क्रीम लगाने के बाद मेरे साथ ऐसा हुआ। पर बाद में मुझे पता चला कि ऐसे हो जाता है, लाइक उन वो कंपनीज पहले से बताती है कि किसी को केमिकल बर्न हो सकता है, पर कह रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पर अगर सिर्फ स्किन रेड है और कोई बर्निंग साइंस नहीं है या फिर कोई ब्लिस्टर्स जैसा नहीं लग रहा आपको, तो देन इट्स ओके, यू गाइस कैन डू स्टफ एट होम। पर अगर आपको लगता है कि ब्लिस्टर्स हो रहे हैं ऐसे ऐसे, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पर या वो आइसिंग कूल जेल ने मुझे इतना रिलीफ दिया कि मैं सो पाई। सो अगर आपके साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट हो और रात को हुआ हो और आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या करें क्या करें, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना। सो या ये नन्ना सा था स्टोरी टाइम। आई होप आपने आज का व्लॉग इन्जॉय किया होगा। अगर किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत एक्टिव रहती हूँ। जब मैं यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाती हूँ तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ। मैं मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज़ अ ब्यूटीफुल जस्ट द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग। वी गाइज़ कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग। ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन। Easy peasy lemon squeezy. Bye, Lalu. मुझे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा।